हर जगह एक ही नारा लग रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा। और आज हम आपको अखनूर के उम्मीद सेंटर में लेके आए हैं, जहाँ पे यहाँ के ही स्थानीय लोग जो हैं, लेडीज जो हैं, आज जोशों से सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और वैसे तो 75th इंडिपेंडेंस डे जो है 15 अगस्त, इस पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जो हैं वो कब से शुरू हो गई थी। हर जगह एक ही नारा लग रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा। और आज हम आपको अखनूर के उम्मीद सेंटर में लेके आए हैं, जहाँ पे यहाँ के ही स्थानीय लोग जो हैं, लेडीज़ जो हैं, आज जोशों से अपनी जो देश की भक्ति, देश का प्रेम जो है, इनमें आप देख सकते हो किस उल्लास से सुबह से ही ये लेडीज़ अपने घरों का काम ख़त्म करके इस सेंटर में आ जाती हैं और अपने हाथों से रोज़ के ना जाने कितने फ्लैग्स जो हैं वो बना रही हैं। वैसे तो सरकार जो है इस बार दावा कर रही है हर घर तिरंगा फैलाया जाए, और तिरंगे को फहराने का जो एक अपना ही अंदाज़, अपना ही एक मज़ा, अपना ही प्यार जो है भारत को लेकर, वो इन लेडीज़ में दिखाई दे रहा है। पहले तो इनसे ही बात करेंगे। मैडम जी, कुद्दत रोने वाले हो? असा बुढ़ी गड़गाल बुढ़ी दे, मतलब बुढ़ी दे तो सब झंडे बना देना है। कितने झंडे, मतलब कि एक दिन दे तुस बनाई करके? बनाई छोड़ने कोई 50 50 झंडे बनाई हो? रोज़ आती है? नहीं, अस कदे आने कुदै कदे कदार। हाँ जी, एक तो इन लेडीज़ का रोज़गार और दूसरा भारत के लिए प्यार, ये सामने जो है वो दिखाई दे रहा है। ये सुबह से ही बैठ के यहाँ पे मेहनत जो है, उम्मीद के ही लेडीज़, इन लेडीज़ को देखकर दिल कहीं ना कहीं खुश हो जाता है। अपने पाँव के साथ खड़े होने का तो दावा करती ही हैं, लेकिन देश के लिए जो प्रेम भाव सेवा है वो भी इनमें नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। आंटी जी, फिर एक बार अस परती थोड़े कोल पुजी हैं, और कनेहा लगा था तुहानू? क्योंकि कुदे ना कुदे अज जनानियां पैरां उपर ते स्टैंड है गए हैं, दूरा दूरा ते आ दियां गए हैं, लेकिन अज देश दी सेवा करने दा भी एक मौका है। सही गल है मैडम जी, देश दी सेवा करने दा असें अज मौका लगे दा है, और करनी भी चाहिए। सैल्फ हैल्प ग्रुप वाले असें इत्थों तक पजाया कि अस अज देश दी सेवा करा करदे आं। अज किन्नी खुशी होआ दी, बड़ी खुशी हो दी है कि अज साढ़े पूरे इंडिया च घर घर झंडा लगा, क्योंकि सैल्फ हैल्प ग्रुप दी जनानियां जिहड़ी काम करिए घर घर झंडा पजा दियां। ये झंडा किन्ना, मतलब कि एक दिन च तुस किन्ने झंडे बनाई ओड़दे हो? मैडम असें ना एक दिन च कोई 500 झंडा भी तैयार किया। साड़ी टीम है, एक ग्रुप बनाए दा है जनानियां दा, 10-15 जनानियां जेहड़े साड़ी अपने म्हल्ले विच काम करा दियां ने। तुस कुद्धरों आंदी हो? अस बुढ़ी ग्रां दे आंदे आ, गड़गाल म्हल्ले दा। अपना काम मकाइए, फिर ग्राएं च उठिए, इत्थे आइए, ये काम करना, ये सेवा करना, इन्हें सल्यूट बनता है। जनानी थोड़ा झंडा पकड़ी दस्यो, झंडा साइज दिखचै। साइज 20x30 दा है। 20x30 दा है सारे झंडे? 20x30 सारे 20x30 दे ने। ये फ्लैग, फ्लैग को देखकर किसको प्रेम नहीं आता, क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, और हम भारतीय जो हैं अपनी प्रेम भाव सेवा इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। हर घर झंडा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। क्या आखना चाहते हो, किस नया दिन दी? अरे स्नेहा के देना कि अहें बड़ी गै खुशी है इस चीज़ की। एक ते असा सारे गै अपने घर घर विच झंडा ला गए, दूआ नंबर असें कम मिलिया, उम्मीद आले सानू काम दिता, जेहड़ा ये 12 रुपए झंडे दे सीने दे दिंदे ना, ये विद कटिंग। हां, केर च कपड़ा विच जेहड़ी कटिंग है, सुवाई है, सारा पाई एक झंडा तैयार करने दा 12 रुपए तुहानू थोंदा? हां, खाली अस तैयार करने हुन्ने आ। ते ए तुस मतलब कि ए ते ग्रुप इक 500 झंडा तैयार करदा, इक जनानी कल्ला किन्ने झंडे बनाई उड़दी है? अरे बनाई उड़दी होनी 100-100। हां, इक दिन दा बने। सल्यूट है, और सच में
जब कुछ करेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ये है नारी शक्ति, ये है अपनापन, ये है प्यार और ये है देश की बात। हम यहाँ के इंचार्ज मैम मीनाक्षी मैडम से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस आज़ादी के अमृतसर पर किस तरह की तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। दोस्तों तैयारियां तो आपने देख ही ली कि किस तरह से इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जो चल रही हैं हर घर तिरंगा की। और हमारे साथ इंचार्ज हैं यहाँ की मनीषा मैडम। मनीषा मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे पर किस तरीके की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? आप लोगों की तैयारियां, इन लेडीज़ की तैयारियां, इनकी मेहनत देख सकते हैं कितने जोश से लगी हुई हैं ये। एक्चुअली हमारे ऑफिस से हमें ऑर्डर्स मिले थे, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 49,000 फ्लैग्स का ऑर्डर मिला था और जिसमें से हर ब्लॉक को 48,000 बनाने थे। हमारी लेडीज़ रेडी हैं, बस पैकिंग बाकी है हमारी। कल हम पूरे 11 बजे ये डीसी ऑफिस को डिलीवर कर रहे हैं। मतलब कि कल 11 बजे तक ये टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 8,000 जो फ्लैग्स बनाने। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत मेहनत से ये लेडीज़ लगी हुई हैं पूरा। आज 8 to 10 डेज हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से मेहनत की है इन्होंने। और क्या प्राइस रहता है इस फ्लैग का? मैम कल हमारी मीटिंग हुई है और हमारी एमडी मैम ने हमें बोला है कि डीसी से उनकी बात हुई है और पर फ्लैग का रेट जो है वो 40 रुपीज़ होगा। 40 रुपीज़ होगा पर फ्लैग का रेट। मैम वैसे तो देखा गया है बहुत अच्छा स्टेप जो है, इनिशिएटिव हर बार सरकार लेती है और उम्मीद की तरफ से ये जो हमारे अपनी लोकल लेडीज़ होती हैं उनको रोज़गार देने का एक बहुत एक अच्छा तरीका है। इनको किस हिसाब से पेमेंट जो है इस बार मिल रही है फ्लैग की? अभी कुछ फिक्स नहीं है, फिर भी हमें जो कल हमारी मीटिंग में मैम ने बोला है कि जो लेडीज़ हैं उनको 12 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। 12 रुपीज़ के हिसाब से 12 रुपीज़ के हिसाब से। और मैम कितना फ्लैग एक लेडी एक दिन में बना लेती है? एक लेडी अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 फ्लैग्स जो हैं वो डेली निकालती है। यस। और मैम कितनी लेडीज़ उम्मीद से अभी तक, अगर अखनूर ब्लॉक की बात करें, कितनी लेडीज़ जो हैं वो जुड़ चुकी हैं? लेडीज़ तो अराउंड अबाउट 8,000 होंगी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं अखनूर से। अभी जो कैंपेन चल रहा है हर घर तिरंगा, उसमें हमारी 50 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया होगा। जी जी। तो मैम कुछ मैसेज वगैरह देना चाहेंगे आप लोकल हमारी जो मेहनत कर रही है लेडीज़? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यही बोलना चाहूँगी सभी को कि इनकी मेहनत जो है उसे रंग दिलाइए आप, प्लीज़ ये जो फ्लैग है उसे परचेज़ कीजिए और अपने घरों में फहराइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों हर घर तिरंगा को लेकर एक सरकार ने एक जो ड्राइव है वो निकाल रखी है और काफ़ी खूब अच्छे तरीके से ये ड्राइव की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इस बार 15 तारीख को क्या खास होने वाला है वो तो आपके नज़रों के सामने है, क्योंकि देश को लेकर जो प्रेम जो भावनाएं लोगों के अंदर हैं वो उसकी मेहनत जो है आज आपके सामने है। घरों से लेडीज़ उठकर इस उम्मीद के साथ जुड़ी हैं और यहाँ पे आकर अपनी रोजी रोटी के लिए अपने पाँव पे तो खड़ी हो रही हैं लेकिन देश के लिए भी देश की सेवा जो है वो करती हुई नजर आई हैं। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन विक्रांत को दीजिए आज्ञा। मैं राबिया गुजरिया दैनिक सेठ समाचार से।